जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी का पेपर दे चुके हैं, अब उनका बेसब्री से इंतजार है आंसर की का। और मैं कई कमेंट देख रहा हूं, मैंने आज से दो दिन पहले एक आंसर की पे वीडियो बनाया था उसके नीचे अभी तक, और आज भी मैंने एक फोटो नॉर्मली डाली थी उसके नीचे भी यही कमेंट थे, सर एसएससी जीडी की क्या आंसर की आ जाएगी या कल आएगी, क्योंकि या तो 14 को आने वाली थी तो 14 का तो आज दिन बीत चुका है, तो क्या 15 तारीख को इसके आंसर की आएगी क्या, इसको लेकर काफी संशय चल रहा है और सबका मन डुगमुगु हो रहा है। एक चीज और है इसमें कि अभी आंसर की आ जाएगी उससे भी तुम्हारा मन में तसल्ली नहीं आएगी, आंसर की के बाद में तुम्हारे कमेंट्स आएंगे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि आंसर की देखने के बाद में हम एक गूगल फॉर्म जारी करेंगे, उसमें आपके नंबर भी लेंगे और उस हिसाब से आपको एक कट ऑफ का वीडियो बना के भी देंगे, और मुझे पता है उसका भी आप सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब आंसर की देख लोगे फिर आप अपने नंबर जोड़ लोगे, फिर आप कट ऑफ वाला वीडियो जरूर डिमांड करोगे, तो आपका ये तो चलता रहेगा, फिर फिजिकल आएगा तो फिजिकल के लिए चलता रहेगा, मेडिकल के लिए तो परमानेंट चलता रहेगा, पर थोड़ा सा मन में धीरज धरिए, क्यों, क्योंकि आपको मैं बताऊं केवल एसएससी जीडी के आंसर की अगर मैंने कई लोगों ने जो लिंक शेयर किए वो देखें, आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, पहले आप वो चीज देख लीजिए, मैंने ये देखो 4 से 5 लिंक है, इन सब में ही एक चीज कॉमन है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करो ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ कि द लॉगिन फॉर्म अवेलेबल ओनली बिटवीन 6 से 9 तारीख के बीच में, ठीक है, यानी 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में ही लॉगिन अवेलेबल था, आपने नहीं किया तो चला गया, एक तो ये बच्चों ने ये शेयर किया था, एक दूसरा था ये जिसमें कैंडिडेट के एंट्री यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहे थे, इसके अगले पेज पे जैसे जा रहे थे क्लोज हो जा रहा था, दूसरा लिंक, एक तीसरा लिंक ये वाला था जिसपे था द लॉगिन फॉर्म विल बी अवेलेबल 13/2 से 17/2 तक, यानी 2024, ये तो पीछे चला गया है, एक लिंक और है ये, इसपे जैसे ही ये आ रहा है इसके आगे जैसे प्रोसेस करते हैं अनयूजुअल हो जा रहा है, ये एक पहले बार तो डेस्कटॉप में चल रहा, मोबाइल में लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं ये चारों के चारों लिंक फेक है, इनमें से कोई भी लिंक ओपन नहीं है, और कोई भी लिंक अभी जारी, मतलब जो भी ये लिंक है ना ये सारे के सारे फेक है, जैसे ही आंसर की जारी होगी, जैसे कल चांस है कि आंसर की आ सकती है 15 तारीख को, तो 15 तारीख के पूरे पूरे चांस है कि एसएससीडी की आंसर की आ सकती है, आंसर की जब आएगी तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और सारी चीजें डिटेल में वही मिल जाएगी, ठीक है, जब ऑफिशियल साइट पर आए, ये जो पहले जो लिंक आ रहे हैं सारे के सारे फेक है, इनका कोई लेना देना नहीं है, कि इन जो लिंकों में आप सर्च कर रहे हैं, जैसे एक लिंक था जिसमें 12 तक अवेलेबल बता रहा था कि आप 12 तारीख तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में कई बच्चे जो अप्लाई नहीं कर पाए उनके कमेंट थे कि सर आंसर की हम तो अप्लाई नहीं कर पाए उससे पहले वो क्लोज होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर की अवेलेबल रहेगी कम से कम 1 महीने तक, हो सकता है पिछली बार भी 15 से 20 दिन से ज्यादा तक अवेलेबल रहेगी, इसके बाद में आंसर की के बाद में आपकी कट ऑफ भी आ जाएगी और फिर भी आंसर की अवेलेबल रहेगी, आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज की आपको चिंता करने की जरूरत है वह है फिजिकल की, सुबह शाम जरूर रनिंग करिए, क्योंकि आपके फिजिकल अप्रैल माह में ही होंगे, समझ गए बात को, इसलिए उसकी चिंता करने की आपकी बनती है, आपको फिजिकल करना चाहिए आंसर की का इंतजार किए बिना, ज्यादा समय आपके पास में है नहीं, समझ गए बात को, तो आज तो 14 तारीख का कम चांस है, हो सकता है कि कल के दिन में आपके आंसर की लॉन्च हो जाए भाई, ठीक है, जय हिंद।